हेलो दिमित्री, काम शुरू करो। चाबियां लाना नहीं भूले होंगे? डोर का कॉम्बिनेशन याद है? ये देखो नजर आए थे। इस सवाल का जवाब आपको जल्दी से मोबाइल पर सेट करके मुझे करना है। नंबर तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन नंबर क्या है दोबारा से आपको बता देती हूँ, है ना? तो फिर आप डायल कीजिए। मैक्स, रेडियो पर भी यही खबर आ रही है। इन्होंने तुम्हारे बारे में लिखा है, देखा तुमने? देखा है मैंने। ज़ेनिया, देखो अब तुम्हें बताना होगा कि कल तुमने रेस्टोरेंट में क्या देखा। वेल, मेरे पापा, उनका एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा है और मेरी उससे नहीं बनती। देखो, तुम्हारे फादर एक इम्प्रेसिव आदमी है, तो ऑफ कोर्स उनकी गर्लफ्रेंड। मैं वो नहीं कह रही हूँ, वो तो ऑफ कोर्स होगी, पर एक प्रॉब्लम है। वो उनको चीट कर रही है और वो भी उनके बेस्ट फ्रेंड के साथ। ओह अच्छा, तो मामला ये है। हाँ, बड़ी वंडरफुल सिचुएशन है। इन शॉर्ट, हमें उन्हें कॉल करके सब कुछ बताना होगा। देखो ज़ेनिया, अपने फादर को कॉल मत करो। क्यों नहीं? क्योंकि तुमने खुद ही कहा कि तुम्हारी उस औरत से बनती नहीं है। देखो, अगर तुम्हारे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होगा तो तुम पर यकीन कौन करेगा? वो औरत, उसका नाम क्या है? तमारा। तो तमारा कहेगी कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ये मुझ पे कीचड़ उछाल रही है। वो ये साबित भी कर देगी और फिर तुम ऑकवर्ड पोजीशन में फंस जाओगी। डैम, तो अब मैं क्या करूँ? देखो, तुम्हें एडवाइस देने का मुझे हक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अपने फादर से कुछ नहीं कहना चाहिए। तो मैं बस उसे मेरे पापा को चीट करते हुए देखूँ? ज़ेनिया, तुम्हें देखना नहीं है, तुम्हें पढ़ना है, एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी है। तुम्हारे फादर की पर्सनल लाइफ में चाहे जो भी चल रहा हो, लेकिन अगर तुम्हें फिर से ये साल रिपीट करवाया गया तो वो पूरी तरह से टूट जाएंगे। टूट कर अपसेट तो हो जाएंगे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें परवाह है? क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं और मुझे लगता है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तुम भी उन्हें प्यार करो। ओके, ठीक है, तो मैं अच्छे से पढ़ूंगी। हाँ, ये हुई ना बात, बड़ों को अपने मामले खुद हैंडल करने दो। वाह, कितना ब्यूटीफुल है। हम शाम को सड़क पर टहल रहे थे और रोशनी की किरणें हमारे सामने आती रही। गुड जॉब। द सम इक्वल 17x और स्पेसिफिक केसेस में मैट्रिक्स एडिशन केवल इक्वल साइज के मैट्रिसेस के लिए ही किया जाता है। गुड जॉब ज़ेनिया, वेरी। थैंक यू। इसका आंसर है कि कुर्क्स बल्ज के इवेंट्स के मेन पार्ट प्रोकोरोवका विलेज के आसपास ही हुए थे, जहां पर मिलिट्री हिस्ट्री का सबसे बड़ा टैंक बैटल हुआ था। जमी हुई रात को है सुबह का इंतजार, न रोशनी न दरवाजे की खटपट, एक गली में से आई है आवाज,
कोई बजा रहा था हारमोनिका। नहीं बस बहुत हो गया, डैम इट, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता, प्लीज बस कीजिए। क्या तुमने डैम इट कहा? हाँ मैंने कहा, लेकिन क्यों? वेट, तुम्हें ये गाना क्यों पसंद नहीं है? मुझे ये गाना पसंद क्यों नहीं है? वेल, मुझे ना एमिनेम या नॉइस एमसी के गाने पसंद है। देखो मुझे ये तुम्हारा यार वर्ड यूज करना कुछ पसंद नहीं आया, और मुझे आपका आगे पीछे हिलना पसंद नहीं आ रहा है। ये मेरी बात नहीं सुनती पर तुम्हारी क्यों सुनती है? मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि हम गर्ल्स हैं। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा ज़ेनिया। ओह ये सब चल रहा है तो यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली मोमेंट चल रहा है ना? हाँ ऐसा ही कुछ समझो। हमें ज्वाइन करना चाहोगी? ओह नहीं बिल्कुल नहीं। आप चाय लेना चाहेंगे तुम्हारा? नहीं विक्टोरिया, मेरे पास इससे बेहतर आइडिया है, तो चले हम। बाय ज़ेनिया। क्या सोचा है? कुछ ऐसा जो तुम्हें पसंद आएगा। कम ऑन बेबी, मैं तो वो, मेरे साथ आओ, मैंने तुम्हें इतना मिस किया कि मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। पर तुम्हारा इंतजार नहीं होता, तुम्हारा नहीं अभी नहीं। कम ऑन बेबी, तुम मुझे नहीं चाहते क्या? नहीं, आई मीन अभी नहीं कर सकता, विका और ज़ेनिया यहीं पर हैं, तो ये थोड़ा सा रूड हो जाएगा, है ना? ओह विका यहाँ है। विका ज़ेनिया, वैसे एक बात बताना, तुम कब से उसे वीका बुलाने लगे? हाँ देखो, जब हम एक दूसरे के साथ इतना समय बिताते हैं तो एक दूसरे को हमेशा हमारे फुल नेम से बुलाना वियर्ड हो जाता है। मतलब तो चलो मेरे घर चलते हैं। मैं अभी तुम्हारा, मैं अभी नहीं जा सकता, हम पोज कर रहे हैं। ज़ेनिया का होमवर्क है डबल पोर्ट्रेट। अच्छा तुम पोज कर रहे हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज समझो। ऑफ कोर्स मैं समझती हूँ, कोई बात नहीं, अगली बार करेंगे। सी यू गर्ल्स, बाय, सी यू। फाइनली वो चली गई। कमीनी ज़ेनिया, डैम इट विक्टोरिया, आपको नहीं पता वो मुझे देखकर ऐसे हंसती है जैसे हम फ्रेंड्स हैं, और फिर पापा से झूठ बोलती है। पर तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है, ट्रस्ट मी। देखो मुझे इस बारे में कुछ जानना या सुनना नहीं है, और मैं सजेस्ट करूंगी कि तुम भी इस बारे में ज्यादा मत सोचो। आप और डेनिस मिले हुए हो क्या? श्योर, हमारे पास कुछ अच्छा करने को है भी नहीं। दैट्स डैम ग्रेट। एक बात बताओ, तुम्हें डैम के अलावा और कोई वर्ड आता है? ओके, अब मैं जा रही हूँ। ओके जाओ। कहाँ जा रही हो? जाने दो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? डैम, तुम्हें अपना आर्ट पूरा करना है। डैम तो नदी पर बनी है। एकदम सही कहा। है ना? हाँ चलो चलो चलो। मिस्टर, क्या आप अपना हाथ इस ब्यूटीफुल वुमेन के कंधों पर रखेंगे? अगर ऐसा करना विक्टोरिया को बुरा ना लगे तो? विक्टोरिया, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं, क्योंकि तुमने हमें कोई चॉइस ही नहीं दिया है, डैम सीनियर। आज किसका एग्जीबिशन है? पता नहीं, डेनिस ने मुझे इनवाइट किया और बोला ये पेंटिंग्स बेमिसाल है। अगर डेनिस ने इनवाइट किया तो वो बेमिसाल ही होगा। डेनिस, मैं तुमसे कह रही हूँ, इन्हें लेते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं, या फिर ये सब जला देते हैं। जलाने के बारे में बिल्कुल मत सोचना। रिलैक्स करो, सब ठीक हो जाएगा। और ये रिलैक्स में कैसे करूं? बिल्कुल ऐसे ही रिलैक्स करो, ये सब हमारे फ्रेंड्स हैं लगभग। I wish सब स्टार्ट हो गया हो। शीमा और नताशा के आते ही स्टार्ट करते हैं। वो कौन है? कौन? शीमा? मैंने नहीं बताया क्या? ओह अच्छा, शीमा जीनियस है, उसके काम ने न्यूयॉर्क और पेरिस में सबको हिला के रख दिया था। हाँ सबको हिला के रख दिया था।
अच्छा तुम कहाँ जा रही हो? वेट वेट, मुझे जाने दो। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। नहीं, वो सब मुझ पर हंसेंगे। यकीन करो, तुम पर कोई नहीं हंसेगा। यहाँ अलग तरह के लोग आने वाले हैं, सब ठीक हो जाएगा। मुझे किस करो। Hey, what's up, dude? Hi. तो फिर हम यहाँ क्यों खड़े हैं? पेंटिंग्स नहीं देखनी क्या? हाँ बिल्कुल, चलो आओ। पर डेनिस, चलो ना। अच्छा लग रहा है। सिर्फ अच्छा? इसे तो हम बेच सकते हैं। नहीं बेचा जा सकता है। कम से कम यहाँ तो नहीं, तुम्हें इसे बड़ी गैलरीज में एग्जिबिट करना होगा। किसने पेंट किया है? जी, इस लड़की ने। हेलो। डेनिस फाइनली। हाँ चलो, बाकी पेंटिंग्स भी देखते हैं। और क्या देखना है, अपने एजेंट को यहाँ बुलाओ। क्या नाम बताया था तुमने उसका? हाँ बुला लेते हैं। मुझे लगता है ज़ीनिया को प्यार हो गया है। No way. अरे सच में? और इस बारे में हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं करेंगे, उनके लिए खुश होंगे, क्योंकि प्यार एक बढ़िया फीलिंग है। अपने आप को जरा इस उम्र में याद करो। हाँ मुझे याद है, याद है, इसीलिए तो मैं वरिड हूँ। चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम उसके पापा हो और वो तुम्हारी बेटी। और ऐसा होता है। बड़ी डीप बात कह रही हो वैसे। हाँ शायद मुझे इनसे बात करनी चाहिए। हे रुको रुको, देखो मैं समझती हूँ बात करनी चाहिए, लेकिन अभी सही वक्त नहीं आया है। हाँ ठीक है। क्या हुआ? ये लड़का अच्छा तो है ना? डेनिस? बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही ज्यादा अच्छा। और मुझे यकीन है कि ज़िनिया उसके साथ बहुत ही सेफ रहेगी हमेशा, हर तरीके से। जरा देखो तो, देखो तो यहाँ कौन आया है। कैसी हो विक्टोरिया, तुम्हें फिर से मिलकर अच्छा लगा। बिल्कुल भी नहीं, भगवान ऐसा कभी नहीं होने देंगे और हमारे डिसेंडेंट हमें छोड़ेंगे नहीं। सर्गे, इजी। मैक्सेल, जेलस होने की बात नहीं, अपनी बुरी आदत छोड़ दो। मैं जेलस नहीं हूँ। कैसा है, कैसा है मेरी जान? आजकल हम बार बार टकराने लगे हैं। हाँ वो इन्हें घुमाने लाया था। हेलो। हेलो। अच्छा मैक्सिम, क्या मैं और ज़िनिया कहीं घूमने जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, तुम लोग जा सकते हो। आई प्रॉमिस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कम ऑन, कम ऑन माई फ्रेंड, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं। ऑफकोर्स घूमने जाओ, पर वहीं तक जहाँ तक मैं तुम्हें देख सकूँ। जाओ और घूम के आओ। मेरे नाव भाई, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? जहाँ मैं तुम्हें देख सकूँ से क्या मतलब है? तुम्हारी बेटी बेहद टैलेंटेड है, उसका काम मत बिगाड़ो, हमारे साथ आओ, थोड़े मजे करते हैं, वो भी इनसे ज्यादा करेंगे। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं सुनना है, कम ऑन चलो ना गैलरी में। और कहाँ, मजा आएगा, जाओ तुम लोग। थैंक यू। सुनो मैक्स, मैक्स अपनी गर्लफ्रेंड को तो देखो। अरे देखो ना, बहुत वंडरफुल है, है ना? अरे देखना, अगर मुझे पता नहीं होता कि वो तेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं उसे पटा लेता। हाँ, वो मेरी है तो क्या कर सकते हैं? हाँ। हमारी वेडिंग कब है? वेडिंग, वेडिंग है, हमारी वेडिंग 2 हफ्ते में है। क्या? तुम कुछ बताते नहीं हो यार, कुछ बताया क्यों नहीं अभी तक? सर्गे, इनवाइट नहीं करेगा तो हम खुद आ जाएंगे, हम सब इनके वेडिंग पे जाएंगे, है ना? सर्गे बस अभी नहीं। विक्टोरिया आओ मेरे साथ, आओ यहाँ ऊपर आओ। संभल के, संभल के, संभल कर। तुम क्या नीचे खड़े हो? Come on, come on। अपनी ब्राइड को किस करो, शर्माओ मत, आ जाओ। किस करो, नशे में बह गया है, पता नहीं क्या करना चाहता है। क्या खंबे जैसा खड़ा है, चल। बढ़िया, क्या बात है। ये हुई ना बात मेरे दोस्त, साशा टेबल सेट करो, आज रात हम पार्टी करेंगे। क्या हुआ,
इतना उदास क्यों है? सब ठीक तो है ना? आखिर बात क्या है? सर्गे बहुत हो गया, अब बस करो। पर तू इसे प्यार करता है और ये तुझे प्यार करती है, ये दिखाई देता है तुझे? क्या सीरियल चल रहा है यहाँ? सच कहूं तो तुम दोनों की वेडिंग कमाल की होगी। तुम्हें कोई ड्रेस चाहिए? मैक्स जो पेंटिंग चाहिए उठा ले, कम ऑन, जो पसंद आए वो उठा ले। मेरी बात सुनो जीनिया, तुमने सब अच्छे से पढ़ा है, तुम्हें सब पता है, सब अच्छा होगा। अच्छा तो तुम रेडी हो? मैं इंतजार कर रही हूँ क्लास नंबर 4 में, 15 मिनट में मिलो मुझे वहाँ। तुम ठीक हो ना? मुझे डर लग रहा है। वो तो मुझे भी लग रहा है। एक काम करो, अपने सारे डर मुझे दे दो। पापा कम ऑन जल्दी शुरू हो जाओ। अरे कितना भारी है, ये लो, फेंक दिया मैंने। मुझे तुम पर यकीन है। रियली? नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। यू नो, 6 महीने पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि खुद के अलावा मुझे कभी भी किसी की इतनी चिंता होगी जितनी तुम्हारी है, या किसी से इतना प्यार हो जाएगा। तुम कर सकती हो, मुझ पर यकीन है ना? एकदम सही, मुझे तुम पर यकीन है। Come on, अब हमें जाना होगा। चलो। Good luck। तुम कर लोगी। मैक्सिम, दरअसल वो नहीं मगर मैंने, मुझे कुछ जानना ही नहीं है, मैं सब समझता हूँ। नहीं पर आप, डेनिस नहीं, पर डेनिस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। उसे लेकर अम्यूजमेंट पार्क जा सकते हो, 9 बजे तक आ जाना। पापा। इतने वंडरफुल डिनर के लिए थैंक यू। कम ऑन, एग्जाम्स के लिए थैंक यू। कुछ पीना चाहोगी? नहीं। नहीं? हमारे पास जूस भी है। नहीं, थैंक यू। विका, ये क्या कर रही हो तुम? पैकिंग कर रही हूँ। लेकिन क्यों? क्या मतलब तुम्हारा क्यों कर रही हूँ? जीनिया एग्जाम्स में पास हो गई है, मेरा काम हो गया है, इसलिए। हाँ, वो तो अच्छी बात है, पर क्या तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं है यहाँ रुकने का? आई मीन, ज़ेनिया ही हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। फिर भी मैं तुम्हें कुछ दिन और रुकने के लिए कहना चाहता हूँ।
मुझे यहाँ रुकने के लिए कोई एक रीजन दे दो तो मैं जरूर रुक जाऊंगी। इतना काफी है? क्या हो गया? अरे क्या बात है? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मिस्टर अगर उनका दिल दुखाया तो छोड़ूंगी नहीं। मैं कोई मिस्टर नहीं हूँ। चलो अब जाओ। डेनिस ने मुझे टेक्स्ट किया है। क्या टेक्स्ट किया उसने? मैं जाऊंगा तो तुम बॉस रहोगे। ओके पापा। ठीक है चलो आ जाओ। तुम्हारा देखो मैं तुमसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ। मुझे एहसास हो गया है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। क्या तुम्हें अभी एहसास हुआ इसी वक्त या? नहीं ऑफ कोर्स अभी नहीं हुआ है। ओके मैं समझ सकती हूँ। तो अब कोई वेडिंग नहीं होगी है ना? तुम्हारा मैं सब कुछ समझ सकती हूँ। ऐसा सब होता रहता है, ये लाइफ है। मुझे सच बताने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तुम्हारा मैंने कहा थैंक यू। ये बहुत सुंदर है। प्लीज ये वाली उसे मत देना, उसके लिए एक नई खरीद लेना ठीक है? नहीं ये वाला तो... सॉरी मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती थी। मैंने जो कहा वो सब भूल जाओ। आई एम सॉरी पर हम क्या फ्रेंड्स बने रह सकते हैं? मैं हमारी बिजनेस रिलेशनशिप बिल्कुल खराब नहीं करना चाहता। हाँ ऑफ कोर्स मैक्स मैं काफी प्रोफेशनल हूँ और इतनी भी बुरी नहीं हूँ अगर तुम्हें याद हो तो। आई एम सॉरी तुम्हारा। It's okay. Really? चुप रहो। मैं तो बस कह रहा हूं कि मैंने कहा चुप रहो। ओह तो आखिर तुम उससे ही प्यार करती हो ना? नहीं।
मैक्सिम, तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें इस सब की कीमत जल्दी चुकानी पड़ेगी। तो तुम उसी से प्यार करती हो? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर किससे है? हाँ, किससे? दिमित्री, प्लीज अपना मुंह बंद रखो और जाकर मेरे लिए कुछ पीने के लिए लाओ। क्या हुआ? चिल्लाकर बोलूं या और धीरे से बताओ? खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? इसकी कीमत तुम बहुत जल्द चुकाओगे। मेरा मन कर रहा था कि मैं मॉम की पुरानी पिक्चर्स देखूं। वो ठीक है, लेकिन इतना डर क्यों रही हो तुम? ओ, आप नहीं जानती आपने मुझे कितना डरा दिया। पर तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ। और ये सब क्या है? हाँ, ये पापा का काम है। प्रोजेक्ट? हाँ। ओहो, हम ये देख रहे हैं तो पापा नाराज तो नहीं हो जाएंगे ना? उन्हें पता ही नहीं चलेगा। बस अपना मुंह बंद रखना, ठीक है? देखते हैं इसमें क्या है। कितना सुंदर है ये, देखो ये वाला कूल है ना। और ये वाला, ये उनका नहीं लगता। आर्किटेक्चुरल ऑफिस 19 आर्काइव्ड। इसका क्या मतलब है? मतलब कि ये प्लेजरिज्म का मामला है और ये बहुत बुरी खबर है। प्लेजरिज्म क्या होता है? प्लेजरिज्म का मतलब है कि किसी का काम चुराना और उसे अपने नाम पर बताकर बेचना। एक मिनट, नहीं नहीं, पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते। विक्टोरिया इगोरेवना, विक्टोरिया इगोरेवना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज किसी से कुछ मत कहना, प्रॉमिस करो। आई प्रॉमिस। विक्टोरिया, वो तुम समझने की कोशिश तो करो। पड़ता, हेमिंगवे पढ़ती रहना। I'm sorry. विक्टोरिया इगोरेवना, पापा उठो, मीका जा रही है। कहाँ जा रही है? घर छोड़कर। मैंने प्रॉमिस किया था मैं नहीं बताऊंगी, पर मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, उठिए। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? कम ऑन। गॉड डैम ये एडल्ट्स। मीका, कहाँ जा रही हो तुम? घर जा रही हूँ। लेकिन क्यों? रुको तो। डोंट टच मी, मुझसे दूर रहो। ठीक है, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि बात क्या? मैं घर जा रही हूँ मैक्सिम, और तुम्हारे लिए बस इतना जानना काफी है। वो मैंने सुन लिया है, पर क्यों? क्योंकि मैंने जिस इंसान से प्यार किया है उसने मुझे बुरी तरह डिसअपॉइंट किया है। लिफ्ट जा रही है। आ रही हूँ। वेट विका, मैंने, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे पता चल गया है कि तुम अपने इंस्पिरेशन कहां से चुराते हो। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। विका, विका,
ज़ेनिया। पापा मैं यहाँ हूँ। आखिर हुआ क्या है? कुछ भी नहीं। विक्टोरिया कहाँ है? वो चली गई। क्या बताया तुमने उसे? मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। वो उन्होंने आपके पिक्चर्स देखे और कहा आप आइडियाज चुराते हो। क्या है ये सब? ये मेरा नहीं है। ये सब एक फोल्डर में था। किस फोल्डर में? ये फोल्डर जो आपके डेस्क पर रखा था, यहाँ पर। पापा, ये फोल्डर किसका है? ये तो बहुत बुरा है। ये किस चीज का फोल्डर है? दिमित्री। दीमा क्या? अंकल दिमित्री और मैं उस ऑफिस में बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। ये फोल्डर उनके आर्काइव में होगा। ये वो प्रोजेक्ट हैं जो कभी अप्रूव नहीं हुए। तो फिर ये फोल्डर आपके डेस्क पर कैसे? क्योंकि कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मेरे लिए कॉफी बना दो। पापा। ज़ेनिया बना दो ना, मुझे काम है। ओके। हाय। हाय बेबी, थैंक यू सो मच कि तुम आए। देखो, हमारा बिजनेस शुरू होने वाला है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, हमें और पैसे चाहिए। रोमा। बेबी काम टा, एक बार मेरी बात तो सुनो। आइडिया भी है हम इससे कितना प्रॉफिट बना सकते हैं। हम अभी कुछ भी नहीं बनाने वाले हैं, तुम्हें जो करना है करो, आई डोंट केयर। ये क्या कह रही है तो? मैं कुछ समझा नहीं। रोमा, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। रोमा। क्या कहा? अपने लिए कोई नया आशिक ढूंढ लिया क्या? मुझे जाने दो प्लीज। प्लीज रोमा, और डेनिस मेरा कोई आशिक नहीं है, समझे? अच्छा, डेनिस तो क्या वो तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है? बताओ बताओ मुझे कौन है वो। वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता है, उसके साथ कुछ मत करना। वो तो नहीं जानता, लेकिन तुम तो जानती हो ना। हाँ, सब मेरी ही गलती है, सॉरी। पर क्या क्या ज़ेनिया? बस तो मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। देखो ज़ेनिया, जहाँ तक प्यार की बात है, हम करेंगे उस बारे में बात, लेकिन हमने साथ में बिजनेस की डील भी तो की है, उसका क्या? रोमा, अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं बचा, समझे? मैं पापा के यहाँ से कुछ भी नहीं चुराऊंगी और ना ही उनसे मांगूंगी। ठीक है, ये लो, मेरे पास जो है रख लो। और प्लीज अब मुझे अकेला छोड़ दो, पर हम फ्रेंड्स बन के रह सकते हैं। क्या खाक फ्रेंड्स।
हाँ तुमने सही कहा, आई एम सॉरी। ठीक है ज़ेनिया, तुम चाहो तो जा सकती हो। रोमा, आई एम सॉरी। तुम अच्छे इंसान हो और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? हे, तुम इतना उदास क्यों रही हो? अच्छा ये बताओ, जा कर रही हो? स्कूल जा रही हूँ, एग्जाम्स में बैठने के लिए कुछ पेपर्स साइन करने हैं। ठीक है, तुम जाओ और हमारे बीच अब ओके, चलो गुड लक। आई एम सॉरी। मुझे दो। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये देखो। बैठ जाइए, स्टार्ट करते हैं, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। सब कुछ तैयार है। आप क्या बात कर रहे हैं, ये आपके लिए ही है। ठीक है गाइस, मैक्सिम नहीं दिख रहा है। ठीक है, मैक्सिम को कॉल करो। वो रहे मैक्सिम। हेलो, सॉरी मुझे देर हो गई। हाय, सब ठीक है ना? शुरू करें? हाँ बिल्कुल। मैक्सिम, मेरा नाम है मैक्सिम पवेरिनोव, मैं इस कंपनी का लीड आर्किटेक्ट हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमारे बारह में से आठ आर्काइव्स चोरी किए हुए थे। उन्हें सोवियत आर्किटेक्चरल ऑफिस 19 के आर्काइव से चुराया गया था और इस बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी। और हमारा लास्ट प्रोजेक्ट, हमारी प्राइड, उसके बारे में क्या कहूँ, ना सिर्फ वो चुराया हुआ था बल्कि वो डेंजरस भी है और मुझे नहीं लगता है कि वो 3 साल भी टिक पाएगा। इस बारे में ये लोग जानते थे, सही कहा ना? ये दोनों हैं मेरे दाहिने हाथ। क्या हुआ, तुम दोनों प्रेजेंटेशन के खत्म होने तक रुकते और जब मैं सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता तब तुम लोग मुझे पुलिस के हवाले कर देते, है ना? और छानबीन के दौरान ये फोल्डर मेरे अपार्टमेंट में मिलता और तुम लोग मुझे पूरी जिंदगी के लिए कोर्ट के चक्कर कटवाते। ऑकवर्ड लग रहा है? मुझे भी ऑकवर्ड लग रहा है। ठीक है, मेरा गुड बाय प्रेजेंट ये है। करेक्टेड ब्लूप्रिंट्स और कैलकुलेशंस, अगर आप सब कुछ इसके हिसाब से करेंगे तो ये बिल्डिंग 100 साल तक टिकी रहेगी। मैंने इसे ट्रिपल चेक किया है। मुझे ये सब सच में पता नहीं था। ये सब क्या था? मेरी चाबियां कहाँ है? काफी वियर्ड है और डोर्स भी खुले हुए हैं। आ जाओ पापा। पापा, रोमा, क्या खराब टाइमिंग है बेबी तुम्हारी। ज़ेनिया, ये कौन है? रुक जा, तुझे मैं बताता हूँ। रोमा, ज़ेनिया, ये क्या किया तुमने? चलो यहाँ से, भागो, चलो, तुम चलो, जल्दी करो, जल्दी करो, चल, भाग। उनके क्लोजेस्ट एडवाइजर्स तमारा और दिमित्री को भी नौकरी से निकाल दिया गया है।
एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है और इसमें आगे लिखा हुआ है कि टीटीसी कंपनी के मालिक सिमियन ने कोई भी कमेंट करने से मना कर दिया है। पापा, मुझे यहाँ पड़े पड़े बहुत टाइम हो गया है, क्या मैं घर में ठीक नहीं हो सकती? कहाँ, यहाँ पर? अच्छा ठीक है। सेनिया, ये सब कैसे? I'm sorry. Victoria, it's okay. Okay? इसे तुम okay कहती हो? हाँ? Hi. Hello. I'm sorry. मुझे भी कोई गले लगा लो। संभाल कर। I love you. और मैंने ही उस समय आपकी रिंग चुराई थी। I am sorry. Sorry मत कहो। वो तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैंने कहा था ना इतनी जल्दी फल नहीं देना है। उसे कभी कभी बाहर भी ले जाया कीजिए। उन्हें धोना बेकार चला गया। हेलो। रोमन और उसके साथी दोनों ही पकड़े गए। खबर थी कि वो दोनों अगले गांव में छुपे हुए थे, तो अब तुम चिंता मत करो। थैंक यू सो मच। एक और बात मैक्स, इसका ख्याल रखना, इसकी खुशी का ध्यान रखना, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जैसा तुम कहो मेरे दोस्त। मेरे बिना तो तुम्हारा कोई काम हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही। यहाँ पर वैसे तुम क्या उगाने वाले हो? यहाँ मैं उगाऊंगा बनाना। केले। केले? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। सही कहा। क्योंकि हम खुश हैं। तुम कहाँ जा रही हो? चलिए शादी प्लान कर ही लेते हैं, हम सब यहीं हैं। क्यों नहीं? ना करने जैसी तो कोई बात ही नहीं। चिकन कौन खाएगा? मैं खाऊंगा। हाय, कैसे हो? हाय। और कैसा है? हेलो, कैसे हो? हाय, कैसे हो? अच्छी हूँ। आ गए दोनों। किस क्या बोल रहे हो? चुप हो जाओ तुम। अरे yes, 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 yes.